नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कुछ समय पहले मैंने जूम का H5 मंगवाया था और फिलहाल इसका जो मेन पर्पस था यहाँ पर था रिकॉर्डिंग। तो आपने देखा कि मैंने इसका शॉटगन माइक भी मंगवाया है। तो फिलहाल देखा जाए काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस माइक्रोफोन की और इवन इस शॉटगन की भी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत मेरे साथ आ रही है कि मैं इस माइक्रोफोन को अपने ट्राईपॉड पर तो माउंट कर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वार्टर इंच का स्क्रू मिल जाएगा, जबकि अगर मैं इसको अपने कैमरा के ऊपर लगाना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा कैमरा है तो इसके ऊपर मैं लगाना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर है होसू माउंट। तो यहाँ पर कोई ऐसी अटैचमेंट आती है जो कि इस होसू माउंट के ऊपर क्वार्टर इंच के इस माइक्रोफोन को अटैच कर दे। मैंने लोकल मार्केट में काफ़ी सर्च करने की कोशिश की बट ऐसा कोई मुझे डिवाइस नहीं मिली। बट अमेजन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इस टाइप की एक डिवाइस है जो कि यहाँ पर इस माइक्रोफोन को इस कैमरे के साथ अटैच कर सकती है। तो आइए मैं दिखा देता हूँ कि ये है क्या। तो ये है एक तरह से अडेप्टर जो कि यहाँ पर होसू को कन्वर्ट कर रहा है आपका एक क्वार्टर इंच के माउंट के अंदर। देखा जाए तो ये आपका फ्लेक्सिबल भी है, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर सकते हो। टाइट करने के लिए आपके पास ये की दे रखी है और यहाँ पर आप इसको भी टाइट कर सकते हो। तो आइए इसको एक बार इसको लगा कर देख लेते हैं। तो ये आराम से कैमरे के साथ अटैच हो गया। होसू कनेक्टर था उसने तो आराम से काम कर दिया और आराम से कन्वर्ट कर दिया इस होसू को एक क्वार्टर इंच के स्क्रू के अंदर। तो आइए अब इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस अडेप्टर मैंने अपने होसू माउंट से इस जूम H5 को कनेक्ट कर दिया। अगर आपको भी यहाँ पर दिक्कत आ रही कि आप यहाँ पर अपने कैमरे के ऊपर कोई ऐसी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट होगी, माइक्रोफोन होगे, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि माइक्रोफोन को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए क्वार्टर इंच का स्क्रू। तो इस टाइप के अडेप्टर से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे केस में इस अडेप्टर ने यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम को काफ़ी आराम से काफ़ी आसानी से सॉल्व किया। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही तो आप इस टाइप का अडेप्टर मंगा सकते हो। इस अडेप्टर का जो परचेजिंग लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके सिवा एक और अडेप्टर आता है जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। इसमें आप देख सकते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी आप किसी भी एंगल पर किसी भी डायरेक्शन पर इसको टिल्ट कर सकते हो और टाइट करने के लिए ये अलग आपके पास की है। तो इस केस में तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती। इसके सिवा आपको एक और सस्ता कन्वर्टर मिल जाएगा, उसके अंदर आपको इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, बट कई केसेस में वो अडेप्टर भी काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप उस अडेप्टर को भी खरीदना चाहते हो तो उसका जो परचेजिंग लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसका लिंक यहाँ पर फ्लैश करोगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आगे आने वाले इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज को देख पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।